हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेजे कारियार में। तो गैस, जो आज की टेस्ट होने वाली है अपनी, वो है सोनेट की और वर्सेस 1 लीटर पेट्रोल की। तो अभी इसमें मतलब रहा सा 1-2 किलोमीटर का तेल बचा है अभी हम, और आगे पेट्रोल पंप है वहाँ से 1 लीटर की तेल लेंगे बोतल में और फिर इसमें डालेंगे और फिर देखेंगे गाड़ी मतलब कितना मतलब चल लेती है, कितना एवरेज देती है और कितना किलोमीटर चल लेती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है गैस। तो आओ वीडियो में आगे चलते हैं सीधा। बस हो गया 700 रुपये भाई। हाँ 700। ये अपने पास 1 लीटर तेल है मतलब, और ये जो बोतल है ना आपकी 1.25 लीटर की है और 1 लीटर इसमें तेल डाला है मतलब थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 1 लीटर तेल का रेट हरियाणा में आपको 93 रुपये मिलेगा, 93 रुपीज़। हमने 100 का डलवाया क्योंकि भाई कॉमन सी बात है, वो एक्सचेंज कहाँ से देते हैं, मतलब 7 रुपये कहाँ से एक्सचेंज देते हैं, 100 का डलवाए तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा सी लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डालेंगे और मैं आपको गाड़ी का दिखा दूँ कि गाड़ी में मतलब तेल, गाड़ी में तेल आपका बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहा है। ई लगभग 1-2 किलोमीटर की तेल बची है तो इसको अभी भर देंगे, अभी फिल कर देंगे इसको और फिर टेस्ट करेंगे कि सोनेट वर्सेस 1 लीटर पेट्रोल में मतलब कितना चलती है। तो ये सुना है कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी मतलब नहीं उठा पाती है, कम से कम 2-3 लीटर लगता है, पर हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि 1 लीटर में गाड़ी उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी और उस हिसाब से हम टेस्ट करेंगे, मतलब देखते हैं मतलब क्या रहता है। भाई पूरी अपनी जो है बोतल खाली हो गई है, अब हम ड्राइव करेंगे और फिर रिजल्ट निकालेंगे अच्छे से, कि रिजल्ट कैसा रहता है वो देखेंगे। हाईवे पे हूँ मैं अभी, तो हाईवे पे ड्राइव करेंगे अपने पूरे और स्पीड भी रखेंगे उस हिसाब से 100 तक। यहाँ पे लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, 2 किलोमीटर का तेल ही बचा है तो 1 लीटर को क्या मानने दिया, नहीं मानी ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 1 लीटर तेल डाला है पर तेल इसका भरा नहीं है, मतलब 2 किलोमीटर ही दिखा रहा है, तो मतलब वही बात है 1 लीटर तेल को इसने मतलब माना नहीं है, जो बात कहते नहीं कि 1 लीटर तेल के साथ गाड़ी ना चले। 1 लीटर में कोई नहीं बढ़ाएगा, इतनी बड़ी गाड़ी क्या मानना है 1 लीटर में। हाँ वो भी है, इसका 45 लीटर का तो इसका वो आता है, हाँ। टंकी है इसकी 45 लीटर की, हमें लगा कि 12-13 हो जाता है तो भाई गाड़ी मतलब नहीं चलेगी आपकी 1 लीटर पेट्रोल में, तो कोई नहीं अपने पास मतलब, इसीलिए हमने सेफ्टी के लिए हमने और भी मतलब अपने तेल डाल दिए थे पीछे डिक्की में, तो उससे निकाल के हम 1 लीटर और डाल देंगे, फिर देखते हैं कि गाड़ी अपनी कितनी चलती है। दो ही डाल देंगे कि 1 लीटर तेल में अपनी गाड़ी नहीं चली क्योंकि गाड़ी में लगभग फ्यूल ना के बराबर था और हो रहा था अपने हिसाब से। ओहो दो ही डाल देते हैं, यो निकालेंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 लीटर तेल डाल देंगे पूरा, क्योंकि फिर उस हिसाब से गाड़ी चलनी चाहिए। गाड़ी में हो जाएगा 3 लीटर तेल, एक पहले डाला और 2 अभी डाल रहे हैं, तो देख सकते हो पूरी मतलब तेल चल गई है, थोड़ी बहुत हल्की सी ना के बराबर गिरी है। बाकी का ये रबड़ आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 3 लीटर का तेल स्टोर है, ये जो आप कंटेनर टाइप बोतल देख रहे हैं यहाँ पे देखा मतलब कि अब हमारे पास कितना लीटर तेल हो गया, 3 लीटर हो गया। अब चल जानी चाहिए गाड़ी मेरे ख्याल से, अब तो बिल्कुल चलनी चाहिए क्योंकि भाई गाइस ये एसयूवी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है तो 1 लीटर तेल में ही नहीं उठाती, मेरे को छोटी गाड़ियों का शायद ऐसा सुना है कि शायद चल लेती है नहीं, पर ये बड़ी गाड़ी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी भाई ये तो नहीं उठाती 1 लीटर तेल में, ये नहीं उठाएगी, तो इसलिए हमने मतलब 2 लीटर और डाल दिया, 3 लीटर तेल है और हम उसके हिसाब से टेस्ट करेंगे, तो ये कुछ गड़बड़ होगी मतलब इस चीज़ में। यहाँ पे गैस देख सकते हैं अभी मतलब ये जो बीप आ रही है पूरे रास्ते करती रहेगी, तो ये सीट बेल्ट की बीप है, तो सीट बेल्ट लगा लिया मैंने अब को, मतलब कि 3 लीटर डाल दिया तब भी 1 किलोमीटर शो कर रही है, बढ़ी नहीं रही, मतलब हमने सोचा था कि कम से कम ये बढ़ जाएगी थोड़ी, तो मतलब किलोमीटर वाइज तो ये 1 किलोमीटर की तेल दे रही है क्योंकि 45 लीटर की टंकी है, इसने 3 लीटर तेल में भी मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ा इसको, डालना पड़ेगा पेट्रोल, तो हमारे पास 3 लीटर पेट्रोल और है कहीं, शायद वो भी डालना पड़े मतलब, तो इस गाड़ी में तो मतलब जो 1 लीटर वाला चीज है ना 1 लीटर टेस्ट पेट्रोल का, वो फेल हो गया मतलब एक तरीके से समझ लो, ये तो 1 किलोमीटर ही दिखा रही है, क्या पता ये क्या जीरो होगी क्या होगी, इसमें अभी भी बिल्कुल एम्प्टी तो नहीं है 3 लीटर, कम से कम 10 लीटर पेट्रोल डालोगे ना जब दिखाओगे आपने। ये देखो लो फ्यूल लगाई मैंने भाई, गाड़ी बिल्कुल बैठ गई मतलब जीरो फ्यूल हो गया इसमें, अब ये देख लो डैश डैश डैश, तो भाई 3 लीटर का तेल भी काम नहीं किया, अब इसमें फ्यूल डालनी पड़ेगी, मैंने ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दिया है। तो यहाँ पे गैस देख सकते हैं कि
प्रॉपर हवा चल रही है और इससे लेके हम डायरेक्ट इसमें तो डाल नहीं सकते, और इससे लेके इसमें डालेंगे तो बोतल का हमें थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, मतलब कि ये बोतल को देखो बीच में से यहाँ से तोड़ दिया है। और अब तेल ऐसे डलेगा, ये यहाँ डाल के और ये इसमें डलेगी, आप देख सकते हैं, मतलब यार कह सकते हैं आप एक टाइप का पूरा वैसे, ये देख सकते हो ये अब इससे तेल डलेगा अपना, इसमें 3 लीटर तेल है, अब 6 लीटर है, अब देखते हैं क्या रहता है भाई रिस्पॉन्स। एक मिनट आराम से, 1 लीटर में तो चलो समझ में आता है, 3 लीटर तेल डाल दिया था तब भी गाड़ी ने मतलब नहीं लिया था, ये पूरी 3 लीटर डल गई है, तो अब गाड़ी में 6 लीटर तेल हो गया, 3 पहले का और 3 अब का। ये टेस्ट तो गैस फेल है, कॉमन सी बात है, मैंने जेन्युइन आपके सामने करके दिखा भी है, नहीं कि आप कहोगे कि भाई फेल ऐसे बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल अपना बिल्कुल डैश डैश दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब और ये जो थोड़ी गाड़ी चल रही है वो जो हमने तेल भरा है उसकी वजह से चल रही है, पर यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा कि तेल है, इतने किलोमीटर 6 लीटर में चल पड़ेगी, तो इस वजह से हम पेट्रोल पंप जाएंगे और भरवा लेंगे थोड़ा सा। बाकी ये टेस्ट तो अपना फेल हुआ, तो मतलब ये दिखाना था आपको कि ये टेस्ट मतलब इस गाड़ी के लिए तो वही नहीं बनाया, मतलब इस गाड़ी में फेल हो जाता है 1 लीटर पेट्रोल के, हमने 3 लीटर डाला तब भी, यानी कि थोड़ी सी तेल पड़ी है तब भी एमटी पे सूई रही है, अभी भी एमटी पे, अब 6 लीटर तेल डाला है तब भी एमटी पे सूई है अपनी, बिल्कुल भी तेल मतलब हाई नहीं हुई, तो कोई पेट्रोल पंप ढूंढ के वहाँ से मतलब भरवाएंगे हम, तो देखते हैं भाई अब क्या रहता है। देखा आपने ऑन कैमरा देखा कि सब कुछ क्या हुआ, मतलब 1 लीटर में नहीं उठाई इसने, 3 लीटर में भी इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, 6 लीटर डाला अभी भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ये एमटी से थोड़ी बड़ी हो, ये 45 लीटर की इसकी टंकी है। ₹1000 कर देना बस, हुई 10.72 लीटर टंकी बंद। तो आप देख सकते हो वही तेल भरवाने के बाद, पिछली बार भी हुआ कई बार मैंने देखा है, तो थोड़ा बहुत मतलब गाड़ी की एवरेज बढ़ जाती है, नहीं 20.2 होगी, 20 से ऊपर चली गई एवरेज इसकी, और आपके सामने आपने देखा 13 की एवरेज थी जब हम लाए थे मतलब पेट्रोल भरवाने से, पेट्रोल भरने से पहले। तो भाई ये टेस्ट तो बिल्कुल फेल रहा, अनसक्सेसफुल रहा, और सोनेट में टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको मैंने ऑन कैमरा करके दिखाया और आपने भी खुद देखा होगा जैसे मैंने देखा है, तो वो फ्यूल आपकी रिजर्व में चली जाती है और हमारे पास एक्स्ट्रा तेल फिर नहीं था 6 लीटर के बाद, तो हम रिस्क नहीं ले सकते थे, तो इसलिए हमने मतलब 10 लीटर फुल करवा लिया 1000 का, और रिजल्ट ये निकला कि टेस्ट फेल्ड, सीधी बात है टेस्ट फेल्ड हो गया अपना, नहीं क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ बिल्कुल भी, 1 लीटर में गाड़ी क्या 3 लीटर में भी नहीं चली, 3 लीटर में भी सोनी हुई, 5 लीटर में भी सोनी हुई, 6 लीटर में भी सोनी हुई, तो मतलब कि ये बिल्कुल फेल रहा, तो पूरा तेल बढ़ाना पड़ा। तो आप अपने गाड़ी में बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें भूल के भी, नहीं तो इससे क्या होगा अपना, क्या होता है जो जो पंप होता है फ्यूल पंप वाला एरिया आपका, उसमें आपकी एयर चली जाती है और गाड़ी आपकी ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकता है इंजन, बहुत दिक्कत पड़ सकती है, फिर टाइम लगेगा फिर मैकेनिक का काम और खर्चे, तो ये बिल्कुल ट्राई ना करें। और टेस्ट जो अपना था 1 लीटर वर्सेस सोनेट, वो अपना फेल हुआ टर्बो सोनेट में, तो सोनेट जो टर्बो है आपकी उसमें कोई इंडिकेशन नहीं आती, अगर आप 1 लीटर 6 लीटर का तेल डलवा लो, जो आपकी फ्यूल है ये जैसे किलोमीटर लिखा आ रहा है इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आती आपकी किसी भी टाइप की। चलो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि इससे पता लगा कि आपकी जो गाड़ी है कम से कम मेरे ख्याल से 10 लीटर तेल तो डालना पड़ेगा तब थोड़ी ये उठाएगी और तब किलोमीटर थोड़ा सो करेगी ये फ्यूल जो आपकी है और एमटी से थोड़ी ऊपर आएगी। तो हमारे इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपने देखा कि हमने तेल को फिल किया 1 लीटर, फिर उसके बाद 2 लीटर डाला, फिर 3 लीटर डाला, कुल मिला के 6 लीटर की तेल डाली, तब भी रिजर्व में रही फ्यूल, उसके बाद हमने पेट्रोल पंप में भरवाया 10 लीटर। तो देखा आपने काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि समय समय पर ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।